भरतपुर के डिंग कुम्हेर विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में शीत युद्ध अभी से शुरू हो गया। जाट आरक्षण के दौरान लोगों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर डिंग कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह आज अब से कुछ ही देर में गिरफ्तारी देंगे। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात है। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर जाट आरक्षण के दौरान हुए समझौते से मुकरने का आरोप लगाया। जाटों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस सरकार नहीं ले रही है। दूसरी ओर डिंग कुम्हेर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शैलेश सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर शैलेश ने बताया कि गिरफ्तारी किसी की भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आश्वासन दिया। विभिन्न राजनीतिक दल जाट समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्तारी नहीं करने के बावजूद भी विधायक विश्वेंद्र सिंह ने धारा 129 के तहत सैकड़ों समर्थकों सहित गिरफ्तारी दी। भारी सुरक्षा के साथ पुलिस विधायक को धरना स्थल से लेकर रवाना हुए। विधायक विश्वेंद्र सिंह का राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 अक्टूबर से पूरे जिले में उपद्रव होने की पूरी पूरी संभावना है। भरतपुर से कपिल वशिष्ठ की रिपोर्ट। सभी जातियों ने हमारी बात का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया, जिससे सरकार झुकी